सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं. तो देयर आर लाइक सम केमिकल मॉलिक्यूल्स इज देयर, डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स इज देयर. व्हेन यू टॉक अबाउट इट, दीज आर द सम केमिकल मॉलिक्यूल्स. केमिकल मॉलिक्यूल जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. इसको बोलने के लिए अगर बोला जाए तो बहुत सिंपल सा होता है, जिसको बोलते हैं चॉन्स्प. क्या बोला जाता है? चॉन्स्प. चॉन्स्प बोलेंगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें सच हो जाएंगी कि मेजर जो बायोकेमिकल्स होते हैं ये चॉन्स्प, यानी ये छह जो होते हैं वो मेजर बायोकेमिकल या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल थिंग्स में यूज़ होते हैं. ये जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं कि आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. स्ट्रक्चरल इंटरैक्शंस बॉन्डिंग, आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. इंटरैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. वो बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. वो क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं, जो भी हम लाइफ बिल्ड करते हैं ये बायो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस बायो मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं? दैट वन इज साइड अमीनो एसिड. कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ते हैं ना, वो केमिकल मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं अमीनो एसिड्स. कुछ बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, कुछ बनाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, कुछ बनाते हैं फैटी एसिड, कुछ बनाते हैं विटामिंस. सो दीज आर द बेसिक बायो मॉलिक्यूल्स जो कि मिल के क्या करते हैं, पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री फील्ड या पूरे के पूरे चीज़ों के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो इन्हीं के बारे में आपके सिलेबस, अगर आपको सिलेबस एनालिसिस का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. और अमीनो एसिड जैसे आपको पता है प्रोटीन और एंजाइम बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती है फ्यूचर में इन्वॉल्व होती है. तो इन्हीं के बारे में वन बाय वन लर्न करेंगे और सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम सम बेसिक थिंग्स अबाउट द बायोकेमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट. लाइक कि ये जो है कुछ ओवरव्यू है बायोकेमिस्ट्री का, जिसको एक आइडिया लग गया होगा कि इतने सारे केमिकल या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ये बायो मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट द केमिकल एलिमेंट, जब आप केमिकल एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया CHONSP चॉन्स्प जो होते हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ साथ होते हैं. इसके अलावा कुछ आयंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि पोटासियम, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम. ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में या पूरे के पूरे बॉडी में पाए जाते हैं. तो अगर कंसंट्रेशन देखें आप, अगर आप कंसंट्रेशन देखेंगे पूरे के पूरे पैरामीटर में, तो एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा होगा कि देयर इज समथिंग जो देखिएगा ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन 65% हमारी बॉडी में पाया जाता है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वाटर होता है 62% वाटर इनसाइड आवर बॉडी. 62 to 70%, 6% आर मिनरल्स, 1% आर कार्ब्स, 16% आर फैट एंड 16% ऑफ द प्रोटीन. सो दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. और हम इनटेक फूड इनटेक वगैरह में ज़्यादातर कार्ब्स लेते हैं रैदर दैन द लाइक ये जो होते हैं वाटर या प्रोटीन या फैट. एक्चुअली जब हम कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं तब हम मोटे होते हैं. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फैट लेते हैं तो हम ज़्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि कार्ब्स ज़्यादातर यूटिलाइज नहीं होते. 1% ही कार्ब्स हमारी बॉडी में होते हैं और यही कन्वर्ट होते हैं. जब हम ज़्यादा लेने लगते हैं तो ये आपके डिपॉजिट होना शुरू होंगे, कन्वर्ट होंगे और यूटिलाइज हो जाएंगे अलग अलग फॉर्म में, ठीक है. सो अब ये जो चीज़ें जो होती है, ऑक्सीजन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इन सब के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग है OCHN ये सारे हैं. फिर उसके बाद कैल्शियम है, फिर फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर. तो दीज आर द वेरियस केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया, ठीक है. इसके सारे परसेंटेज रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू सी द आइडिया कि आपके सब बॉडी में ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन H2O के केस में ये रहता है. फिर हम ऑक्सीजन इंटेक भी करते हैं, इसके अलावा सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए. कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन सोर्स के तरीके से, जब हम बात करें जो कि आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक एनर्जीज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो ये सारे के सारे जो केमिकल एलिमेंट होते हैं वो आपस में मिलके बाइंड करते हैं कई सारे बॉन्ड्स के साथ. सम आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सम आर द वीक बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जैसे मेटालिक, जैसे आयनिक, जैसे कोवेलेंट, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. एंड सम आर द वीक बॉन्ड, कुछ ऐसे हैं जो कि वीक बॉन्ड आते हैं. मेटालिक आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि दो पर्टिकुलरली, अगर आप बचपन में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड हो जाता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ है कि क्या होता है कि जब दो एटम होते हैं,
इस तरीके से इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये कोई भी एटम है जो चाह रहा है कि मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरा पूरा का पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, और इसी तरीके से ये भी चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस होते हैं, या इसमें बाउंड जो सेल इलेक्ट्रॉन किस आउटर सेल में, बहुत ज़्यादा आउटर सेल में उसका न्यूक्लियस से कितना इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इक्वल अनइक्वल कंप्लीट ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट, इन सब चीज़ों पे बात हो रही होती है। कहने का मतलब है कि देयर शुड बी वन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक डोनर होगा और एक्सेप्टर होगा। अब डोनर और एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसा होगा, अब उसी पे पूरा के पूरे बॉन्ड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर देर इज़ अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सो इट शुड बी लाइक कि इस ये जो हो जाता है आयनिक बॉन्ड हो जाते हैं, जिसमें कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबलाइज होता है। किसी को एक भारी लग रहा होता है, दूसरे को एक चाहिए, तो एग्जैक्टली ये चीज़ जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। दैट केटायनिक और एनायनिक का केस होता है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कैल्शियम क्लोरीन को दे दिया तो सोडियम भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, तो दिस इज इसका 10 हो जाता है, इसका 18 हो जाता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाता है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसी फिनोमेना पे कई सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो दिस शुड बी द केटायनिक और एनायनिक, वहाँ पे केटायनिक होगा या तो एनायनिक बॉन्ड होगा। केटायन जो करेगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसका नेचर होता है डोनेट करना। एंड एनायन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट द कोवेलेंट, कोवेलेंट में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब शेयरिंग जो होता है दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में हो रहा था, वो शेयरिंग इक्वल है कि अनइक्वल है उस पर कंपाउंड का नेचर अलग हो जाता है। अगर ये जो है पोलर कंपाउंड या नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो जाएगा व्हेन देयर इज अ इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों कंपाउंड की सेम हो। जैसे कि ऑक्सीजन इस बार इसमें देखिएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इक्वल शेयरिंग हुई, इक्वल शेयरिंग हुई तो दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं हुई, कहीं पे भी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा नहीं है, एक समान है, तो नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। नाउ अगर अनइक्वल शेयरिंग हुआ, जैसे वाटर को अगर आप देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है कि वाटर के पास वाटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है रेदर देन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है रेदर देन ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास एक पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पोलैरिटी कहीं ना कहीं डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की एक जगह बढ़ रही, एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, देन देयर इज अनइक्वल शेयरिंग। और ऐसा कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है, यहाँ पे सेम हो रहा था और यहाँ पे पोलर के केस में क्या होगा, पोलर के केस में अगर डिफरेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपके क्या हो जाएंगे कि पोलैरिटी का केस बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा वीक बॉन्ड में सम आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फोन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फोन मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, व्हेन द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लाइक जीरो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.9, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इफ यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ यू डोंट नो लेट मी राइट हियर कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0, दैट ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3.0 एंड उसके बाद हो जाता है दैट हाइड्रोजन का होता है दिस इज 2.1, ठीक है, एंड कार्बन का होता है आई थिंक 2.5। ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वॉल्व होते हैं। कार्बन का एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये सारी चीज़ें जो ये डेटा सही है। अब इसमें आप देखेंगे कि मिनिमम जैसा मैंने बताया, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 0.9 है, इससे तो ज़्यादा ही है ये वैल्यूज, तो इनमें डिफरेंसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स वाई यही तीन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, बाकी कंपोनेंट्स नहीं होते क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो हाइड्रोजन से जब डिफरेंस करते हैं तो वो आपका 0.9 या उससे ज़्यादा नहीं हो पाती। इसी वजह से ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर कोई हाइड्रोजन माइंडेड है तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे
होगी जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, जैसा यहाँ पे आप देख रहे थे। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसी भी अगर पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसको डैश डैश करके दिखाया जाता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ वीक इंट्रैक्शन, ये जो वीक इंट्रैक्शन माना जाता है। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज इज ऑल्सो वेरी वीक इंट्रैक्शन दैट टेम्पररी इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, दूसरी तरफ कम, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और कम की वजह से वहाँ पर क्या होते हैं कि वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस में क्या होते हैं कि देयर लाइक टू डाइपोल्स आर देयर, डाइपोल का मतलब एक पोल पे चार्जेस प्लस दूसरे पे निगेटिव, अगर एक डाइपोल दूसरा निगेटिव प्लस करेंगे तो ये पॉजिटिव डेंसिटी और नेगेटिव डेंसिटी जो होते हैं ये इंट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव डेवलप कैसे होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उधर नेगेटिव, जिधर कम उधर पॉजिटिव, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उधर नेगेटिव, जिधर कम उधर पॉजिटिव, तो एक डाइपोल क्रिएट होता है अगेन एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सम आर द नॉन पोलर कंपाउंड, जो भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं वाटर रिपेलेंट होते हैं, क्या होते हैं वाटर रिपेलेंट, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। व्हाई, बिकॉज नॉन वाटर का नेचर कैसा है, वाटर जो होता है पोलर होता है, तो जैसा आप लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर के साथ रहना चाहेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ रहना चाहेगा, इसी वजह से नॉन पोलर वाटर से बचाते हैं, एक फोबिया शो करते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब फोबिया, तो इसी वजह से वो फोबिया शो करते हैं। और ये जो होते हैं वाटर रिपेलेंट होने की वजह से क्या कर देते हैं कि वाटर से बचते हैं, एक फोबिया शो करते हैं, दैट्स वी से एज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, कौन से कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड वाटर से बचते हैं, पोलर नहीं, कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन पोलर कंपाउंड। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर है, कोवेलेंट में शेयरिंग है, शेयरिंग इक्वल होगा तो नॉन पोलर होगा, अनइक्वल होगा तो पोलर होगा, जैसे वाटर, हाइड्रोजन में फोन का कॉन्सेप्ट था, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज में टेम्पररी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाइपोल में दो पोल क्रिएट होते हैं, हाइड्रोफोबिक में रिपेलेंट फ्रॉम द वाटर या फोबिया फ्रॉम द वाटर, ठीक है। इन सब बॉन्ड्स में क्या होता है कि स्ट्रेंथ या एनर्जी की बात की जाती है, जो कभी कभी सीएसआर एग्जामिनेशन में आता है एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशंस टू। सो डिफरेंट डिफरेंट लाइक कि अगर हम बात करते हैं तो इन द बायोलॉजिकल सिस्टम कोवेलेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद आयनिक, मेटेलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डेड, डाइपोल डाइपोल एंड वैन डेर वाल फोर्सेस। सो द वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम व्हेन यू कंसीडर हियर, अगर आप देखने की कोशिश करें तो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन आपका मिल रहा है वो हो जाता है कोवेलेंट, एंड द वीकेस्ट वन इज द वॉन्डरवॉल, वीकेस्ट जो फोर्स हो जाता है वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस हो जाते हैं। द बॉन्ड एनर्जी इज लाइक किलो कैलोरी पर मोल में इस तरीके से ऑर्डर्ड होते हैं इनी वे में, एंड इन द किलो जूल इस तरीके से चल रहे होते हैं जनरली, चाहे एक याद कर लो, क्योंकि किलो जूल और किलो कैलोरी में बेसिकली डिवीजन जो होता है 4.18 का होता है, अगर किलो कैलोरी से 4.18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इससे लेके जाओगे तो डिवाइड कर दोगे, तो ये कन्वर्जन जो हो जाता है वो आपका करना होता है। नाउ अगर आप कैलोरी और जूल से मल्टीप्लाई, कन्वर्जन तो आप जानते होंगे, और बाकी जो है वो हाफ के केसेस में चलते रहते हैं, 400 से हाफ, फिर इस तरीके से, फिर 10, फिर 20, फिर 3, 1, 0.5, एंड दिस वे ये चीजें चलती रहेंगी।